हम डर शूट कर रहे थे जी। हम रात को पैम आंटी, मैं, उदय, जूही आदि, हम सब बैठ के स्क्रैबल खेला करते थे पैकअप के बाद। एंड देन आदि का एक दिन बर्थडे था, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आदि बिकॉज उसकी शुरुआत थी, ही वॉज द चीफ एडी ऑन द फिल्म एंड ही हैज़ अ वेरी गुड माइंड एंड यूज टू बिकॉज आई थिंक हम उम्र भी थे, मुझसे छोटे हैं वो, लेकिन क्लोजर टू हिम देन द अदर पीपल इन द यूनिट। सो ही सेड यार मैं एक फिल्म बनाऊंगा, तो ऑन हिज बर्थडे He said, तू पिक्चर करेगा? I said, love to do it. And then he narrated this, कि मैं एक्शन हीरो हूँ, बिकॉज मैं डर कर रहा था, और मे बी वॉट एवर, कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा। मैं इतना एक्साइटेड हो गया। फिर दो चार साल बीत गए, दो साल डेढ़ साल बीत गए, डर चल गई। उसके बाद मैं महबूब स्टूडियो में बैठा था, मैं आ रहा हूँ कहानी सुनाने के लिए। मैं कहा जा यार, बिकॉज मुझे कोई एक्शन फिल्म देता नहीं था, एंड आई रियली वॉन्टेड टू बी एन एक्शन हीरो ऑनेस्टली। मेरी लाइफ का ड्रीम था कि वाइट बनियान हो, मसल हो, थोड़ा सा ब्लड हो, हाथ में एक लड़की हो और बंदूक हो। ये मेरे को पोस्टर चाहिए था। तो मेरे को बस यही था कि और मुझसे कोई बात करे, मैं बात नहीं करूं, पहले गोली मारूं। हाँ, मुझसे कहें हेलो राहुल, हाय पठान, फिर बात करो गोली मारने के बाद। तो एक क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म थी, आई एम नॉट अलोन, आई हैव मी, स्मिथ एंड वेसन। तो वो गन का नाम होता है स्मिथ एंड वेसन, हालांकि बंदूकों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस, बट I really wanted to play an action hero, and then he came and narrated to me this film, and मैं बड़ा excited महबूब studio में ऐसा करके बैठा कि हाँ पठान, and उसने मुझे film सुनाई, तुझे देखा तो ये जाना। तो मैं कह ये क्या है फिल्म, उसमें एक्शन कब आएगा? मैं सुनता रहा, मैं समझा कि शायद इंट्रोडक्शन में आएगा, शायद सेकेंड हाफ में होगा, एंड तक एक्शन ही नहीं था फिल्म के अंदर। मैं बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी ठीक कहते हैं, बाऊजी की ऐसी तैसी, बाऊजी को मैं मारूंगा कब? मैं रहा हूँ यार, बाऊजी भी ठीक कह रहे हैं तो फिर मैं क्या करूँगा पिक्चर के अंदर। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। मैं यस जी को फ़ोन किया, मैं कहा इसको क्या हो गया, ये तो ठीक ठाक था मेरे साथ, औजार, लोहार, पत्थर, हथौड़ा, ऐसी कोई पिक्चर बनाने वाला था। फिर ऐसा चलता रहा, फिर उसने कहा मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। फिर हमने दिल वाले दुल्हनिया कर ली, जो ठीक ठाक फिल्म थी। उसके बाद फिर दिल तो पागल है बना दी, वो भी ठीक ठाक फिल्म थी। फिर वो ऐसे ही ठीक ठाक फिल्में मेरे साथ बनाता रहा, और एक्शन फिल्म बनाई नहीं। अभी भी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, 3-4 साल पहले उसने मुझे एक एक्शन फिल्म सुनाई, फिर उसने मेरे साथ वो नहीं बनाई। मुझे कहा अभी तू बॉडी बना ले। फिर जब ये अभी आए और इन्होंने मुझे बोला मैं 15 मिनट बात करूँगा, जो पहला सीन है सेड और आदि ने मुझे नरेट किया कि वो बोलेगा कि 5 सेकंड तू ऐसा सोचता है, 5 सेकंड तू ऐसा सोचता है, 5 सेकंड और फिर तू कहेगा कि पठान तू जिंदा है। तो बोला उसने मुझे ये सीन सुनाया ना, फिर वो सुना के चला गया। फिर पूजा मेरे साथ बैठी हुई थी, फिर मैंने उन्हें कहा ये झूठ बोल रहा है। फिर झूठ बोल रहा है ये, हाँ, ये झूठ बोल रहा है ये। इसका सीन ये है कि 5 सेकंड तो ये सोचेगा, 5 सेकंड तो तुझे ये सोचेगा, 5 सेकंड तो ये सोचेगा, और फिर तू कहेगा सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते। अरे झूठ बोल रहा है, ये एक्शन पिक्चर नहीं बनाएगा। सो आई रियली 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 थैंक हिम कि 30 साल के बाद या 25-27 साल के बाद उसने जो मुझे प्रॉमिस किया था उसने कीप किया है। और फिर आई थिंक पूजा ऑल्सो पुट इट आउट समवेयर कि दिल वाले दुल्हनिया एक हॉल में चल रही है हमारी मराठा मंदिर में, और वहीं पठान भी चल रही है। तो उसने कहा जिसका टिकट ना मिले दूसरी वाली देख लो। आए आए। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आदि ने वो अपना वादा पूरा किया है, और मैं इसलिए भी बड़ा खुश हूँ कि मैंने उसको प्रूव कर दिया कि भाई मैं एक्शन कर सकता हूँ। तो I hope he takes me in more action films. I hope Sid takes me in more action films. I hope John works with me in more action films. And Deepika, तो मैंने बताया, वो action मेरे साथ कर देना बस, वाह वाह वाह।